गर्मी में देखना, छाछ बेटर है। बेटर है कि ये मत डालो, लेकिन ना अगर आपका जैसे वो साथ में हो चुका है क्योंकि बचपन से वो सब खा रहे हैं, तो आप उसमें जीरा डाल के और उसको छाछ टाइप ले, थोड़ा पतला करके वो ले सकते। और ये बारिशों में कफ वाले दही में शहद डालेंगे, बारिशों में खा सकते हो, लेकिन उसमें वही ये चीजें डाल लेना जो मैंने बताया। हमने भुना हुआ जीरा और रोही बताया, वो डाल सकते हैं। भुना जीरा ये जो गाजर आ रही है दैट इज इक्वली गुड जो हमें विंटर्स में मिलती है, क्योंकि आजकल तो वो गाजर आ रही है चाइनीज कैरेट अवेलेबल है, तो दैट इज इक्वली गुड, वो हम उतनी क्वांटिटी से ओके, क्योंकि अवेलेबिलिटी में तो देख लिया ना सब कुछ, हमको उसके अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना पड़ेगा। और किसी को क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मुझे उसमें ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप ग्रुप में ठीक है, शताब्दी लेडीज को सबको मैं रिवाइज नहीं करूँगी, ये मैम से पूछ ही लेना जिसने भी पर्सनल अपनी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसलिए जनरलाइज उसको नहीं, ठीक है। और एक कुछ मेरे ऑलरेडी रेडियो में कुछ प्रोग्राम्स आए हैं उसके भी लिंक्स हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं उसमें डाल दूँगी, वो आप सब स्लाइड में। हाँ कुछ चीज़ें मैं और प्रकृति में काफ़ी हाँ मेंशन, बाकी कुछ चीज़ें मैंने और जैसे डिस्कशन चल रही थी तो बीच में भी मैंने ऐड की है, उससे कुछ भी आपको अगर बात में क्वेरी हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन पढ़ सकते हैं। वो मेरे पास अभी नहीं है, मैं एंड में आपको डॉक्टर प्रीति देंगी, वो आपको ले सकते हैं। उसमें वो एंड आपको फिनिश होने से पहले वो दे देते हैं, ठीक है, आप बोलना मैम को नेक्स्ट टाइम देते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम, मैं आपको कार्ड दे देती हूँ अपना, मेरा वैसे जो आज ही है चर्ची नगर में बद्रा थिएटर के पास, तो आप लोग आ सकते हैं आराम से, चर्ची नगर बद्रा एक क्लिनिक आयुर्वेदिक क्लिनिक के नाम से, आपको बोलना पड़ेगा है मेरा सारा फर्स्ट मैं कार्ड दे रही हूँ Gracias.
उसको आप कल क्लियर देखिए, आपको बता दें कि मैं पिछले 40-45 साल से इससे रिलेटेड मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी। मेरी पेशेंट है वो MDS है, ये डेंटिस्ट कभी भी नहीं बताते क्योंकि मेरी पेशेंट है और अभी नहीं होने के लिए ग्रेजुएट हो गई तो बता रही हूँ आपको। डेंटल एंटीसेप्टिक का काम करती है गाजर। अगर आपको दांतों को क्लीन करना है अंदर से, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाओगे कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो करेंगे वो, आपका क्लीनिंग करवाने के बोलेंगे या जो, अगर आप दिन में एक गाजर डेली बच्चों को भी करवाइए, उसको चबा के खाइए, उसमें डिटर्जेंट होता है नेचुरल, ठीक है। अगर आप उसको चबा के खाते हैं तो दांतों में अगर फंसती भी है ना तो अंदर से क्लीन करते हैं, जिस जगह पर ब्रश भी नहीं जा पाता वहाँ पे उसके फाइबर्स अंदर जाएंगे और वो उसको क्लीन करते हैं। और जिनके दांतों पे कुछ कुछ जैसे ब्लैकनिंग है, कुछ ऐसे दाग पड़ गए हैं, उसके लिए आप चेरी से उसको क्लीन कर सकते हैं। हाँ, खा लीजिए उसको, बस इतना से रब कर दीजिए, ठीक है। ये नेचुरल क्लीनिंग का वो बता रही हूँ क्योंकि मेरी पेशेंट है इसलिए मुझे बताती रहती है। और दूसरा, टंग क्लीनर कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। टंग क्लीनर आपको ब्रश से ही टंग को क्लीन करना चाहिए, ये भी मुझे उन्होंने बताया था, क्योंकि हमारी टंग पे पेपिला होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, जब हम ब्रश से उसको टंग क्लीनर लगाते हैं तो वो बहुत हार्ड लगता है और वो डैमेज होते हैं, तो इसलिए स्लाइड के टंग को भी ब्रश करना चाहिए आपको, ब्रशिंग की भी। हाँ जी सर, महिला अपने बच्चे को लेकर आई है, वो कहा कि इसके दांतों के लिए खाइए, तो उन्होंने उससे कहा भाई इसको खाने के लिए क्या दे रही हो, तो महिला ने कहा मैं तो रेडियो को बड़ा पसंद आता है, उन्होंने कहा नहीं दोस्त नहीं, साबुत अमरूद दिया करो और कहो कि ये अपने दांतों से आज चबा कर वो काट के मतलब। और दूसरा, आपके सामने खुद डिसिप्लिन में रहो,
क्योंकि अगर हम खुद ही वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें उनका रोल मॉडल बनना है, खाना भी वही है जो उनको खिलाना है और करना भी वही है जो उनसे करवाना है। तो इसलिए वो दिनचर्या आपकी भी होनी चाहिए जो बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तभी ये जो दिनचर्या मैंने बताई है ये है तो हेल्दी पेरेंटिंग में, लेकिन आप लोगों को भी ये करनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था, हाँ खरडूश वाला बता रही थी, और डेंटल का हो गया मुझे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चे, कुछ लोगों को आदत होती है कि बच्चा उठता है, ब्रश करो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो ताकि आपका काम खत्म हो जाए। वेरी रॉन्ग। एक जो दिनचर्या है ना उसको फॉलो करने की आदत छोटे बच्चे को आप डालो कि बेटे आप पहले ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको नहाना है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, तब आपको ब्रेकफास्ट मिलना है। अदरवाइज मदर्स बड़ा प्यार आता है तो लो बेटे खाओ। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकफास्ट के बाद बॉडी में हीट निकलती है, नेचुरल फूड के बाद हीट निकलेगी। उसके बाद बच्चे बुलाए घर में, ठीक है मम्मा आप मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर उसको होगी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, और वैसे भी टेंशन वीक होती है जो आप खाने के बाद खा रहे हो। तो हमेशा ब्रेकफास्ट से पहले नहाने के लिए बोलो बच्चों को, अपने घर में रूटीन बनाओ कि सबने पहले नहाना है फिर ब्रेकफास्ट करना है। ये नहीं कि संडे है नहीं आज तो हम 10 मिनट ब्रेकफास्ट करेंगे 12 बजे नहाएंगे, कई लोग घरों में ऐसा ट्रेंड होता है, तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू आयर। मैं आपको प्रॉपर जो दिनचर्या है ना वो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो ठीक है आप लीनियंसी में आप कुछ भी ना करो तो ठीक है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो भी उनका रूटीन है वो फॉलो करें, फिर लंच से पहले आप फ्रूट्स का रूटीन मस्त किया जाए सबके लिए कि आप फ्रूट्स खाइए लंच से पहले, और उसके बाद लंच में प्रेफरेबली दाल सब्जी, दालें रात को नहीं खानी चाहिए। और उसके बाद जिसके लिए पॉसिबल है वो 15 मिनट का नैप लंच के बाद लें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर में सोना नहीं चाहिए, वेट बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। जितनी भी कफर्स डिजीजेज हैं हमारी, जैसे कफ है, कोल्ड है, हैवीनेस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कुछ लोगों का शुगर है, दिन में सोने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कई लोग दिन में आराम से 3 घंटे सोते हैं कि मैं तो थक गई हूँ बस मैं 5 बजे उठूँगी, ऐसे मेरे भी पेशेंट्स हैं। नहीं, आपको 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा नैप लेंगे भी ना उतना ही रिलीफ मिलेगा जितना आपको 3 घंटे मिलना है, वो एक आदत बन चुकी है। आप करके देखो, आप मतलब आधा घंटा अगर लेट भी हो जाओगे ना तो आपको फ्रेश लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थकी हुई, मतलब मैं उनके बारे में बात 6 आवर्स इज सफिशियंट, 6 to 7 वो पर्सन टू पर्सन करेंगे, 7 आवर्स इज सफिशियंट अगर उससे, क्योंकि आजकल वर्कलोड इतना है बच्चों में भी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा, तो 7 घंटे सफिशियंट है। और फिर वो प्रकृति भी है ना, जिसकी कपड़ है वो अगर थोड़ा काम भी सोले तो चलेगा, क्योंकि उसने वैसे ही नहीं उठना, और वायु वालों के लिए उसको नींद आनी कम है, ये भी तो डिफरेंस होता है ना बच्चों में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, हाँ वो सोएंगे ही नहीं ना उससे ज़्यादा, उनको आने आएगी नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उठ जाते हैं अपने आप बिना अलार्म के 5 मिनट के बैठे होते हैं, और हाँ और कुछ लोग जो है 10-12 घंटे उठता रहे कभी, जब तक आप नहीं उठाओगे वो नहीं उठेंगे, तो ये डिफरेंस है बॉडी का, उनका नेचर है ऐसा। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, पूरा चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी प्रकृति है, वो उसके जेनेटिक्स है। मतलब आपको ये नॉलेज हो गई है, इससे आप बच्चों को, 4 बच्चों को सेम तरीके से टैकल नहीं करोगे, बच्चे सेम है उनको प्यार सेम कीजिए, बट उनको टैकल यूनिकली कीजिए, ये बच्चा इस तरह का है तो इसको इस तरह टैकल करना है, ये बच्चा इस तरह का है तो ठीक है मुझे अपना बिहेवियर इसके साथ ये रखना है, और इसको ये डाइट मुझे फोर्स नहीं करती क्योंकि इसको ये ना तो सूट करती है ना इसको पसंद आती है, ये चीज़ें आप ये आपने उनको बताना है कि बेटे मैंने आज ये लेक्चर अटेंड किया था, ये 30 प्रकृतियाँ हैं और ये आपकी प्रकृति ये है, इसलिए मैं आपके साथ ये कर रही हूँ, उनके साथ ये कर रही हूँ, अदरवाइज वो आपको मिल जाएगा कोर्स खत्म होने से पहले, तो आप सब लोग भी आपकी प्रकृति उससे निकालना, तो ताकि आपको आप ज़्यादा बैठ सकते हो इन चीज़ों की, ठीक है। हाँ आगे ये पूरे लेक्चर्स में चलना है क्योंकि पूरा आया बात पे सब पे बेस्ड है।
नाड़ी से भी पता चलता है, लेकिन उससे भी पता चलता है चार्ट से। नाड़ी से भी खाली पेट दिखानी होती है, लेकिन उससे चार्ट से और क्वेश्चनर हो जाता है पूरा आपका, काफ़ी और चीज़ें पता लग जाती हैं, तो उससे पता लगता है। खाने और सोने में कितना गैप होता है? रात को 2 घंटे काफ़ी है। जैसे मैंने दोपहर को बोला कि आपको 15-20 मिनट का नैप ले लेना चाहिए, ऐसे ही रात के खाने के बाद वॉक इज मस्ट। ब्रिस्क वॉकिंग नहीं होनी चाहिए खाने के बाद, नॉर्मल वॉकिंग कीजिए। हाँ, उसमें आप आधा घंटा वॉक की कैपेसिटी और टेंशन के अकॉर्डिंग। मिनिमम 2 आवर्स का गैप है? मिनिमम 2 आवर्स। डिनर शुड भी बिफोर 7। जो जॉब करते हैं जिनके लिए तो प्रॉब्लम है, पॉसिबल नहीं है, वो ठीक है 8 बजे तक कीजिए, पर अर्लीस्ट कीजिए उसको। शाम के स्नैक्स को कट कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ है वो। जो लोग शाम को कुछ ना कुछ स्नैक्स भी लेते हैं, बेटर है आप डिनर अपना 6:30 बजे 7 बजे जिस टाइम कीजिए। अगर आप स्नैक्स भी लोगे तो आप उस टाइम डिनर तक पाओगे आराम से। उनके लिए डिपेंड है, बिल्कुल सही। तो बेटर है ऑफिस में अगर कुछ मैनेज हो सकता है तो करें, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेके जाए या वहाँ पर मैनेज करें, क्योंकि लेके जाएंगे तो सुबह का बना होगा वो तो और भी खराब होगा, वो मतलब वही कुछ मैनेज हो सकता है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज जॉब वाले में कुछ नहीं। खाना ब्रेकफास्ट दीजिए, लंच दीजिए और डिनर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि 2 बार लेना है। और दूसरा, खाना आप जैसे पूछ रहे हैं 2 बार, उसमें वैरी करता है कि आपको भूख कितनी लगती है, ये भी एक कॉमन चीज़ सबके लिए नहीं कह सकते। अगर मान लो किसी का बॉडी पहले ही उसको शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, पर उसको भूख भी नहीं है, तो मैं उसको नहीं कहूँगी कि किसी को 12 में लगेगी, किसी को 12:30, किसी को 1 बजे, वो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है सबका।
तो आप तब फ्रूट लीजिए, मैं कोई एक टाइम फिक्स नहीं करके आपको काट दूँ, ठीक है? उसके बाद आप सीधा लंच लेते होगे ना? हाँ, तो आप ये जो सॉलिड मील है इसके बाद भी अगर बीच में फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन लंच के बाद नहीं। आप कुछ कह रहे थे? अगर मोशन वगैरह ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, नॉर्मल से बच्चों के लिए गिलोय भी टैबलेट रख लो आप, या गिलोय का रस वो आप दे सकते हो उनको, तो इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वॉमिटिंग्स वगैरह नहीं। रेगुलर वही किसी भी चीज़ को रेगुलर सिर्फ खाना होता है, ये मेडिसिन है। हाँ, तभी कभी जिनको जल्दी जल्दी वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है उनकी डाइट में आप अनार इंक्लूड करो, उनको रूटीन में अनार खिलाओ लंच से पहले, तो नहीं होती है, ठीक है? और उसके बाद भी होती है तो फिर आप एक बार डॉक्टर को मिलो, क्योंकि लिवर के कुछ एंजाइम्स अपसेट होते हैं तब भी वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। डॉक्टर, ये जो फ्रूट्स और सैलड है ये सारे के सारे आप लंच से पहले खाते हैं? बेटर है लंच से पहले, मतलब चार फ्रूट्स हैं तो चारों खा। उसमें आप ये भी कर सकते हो, आप आधा घंटा पहले भी ले सकते हो, अगर आपको जल्दी है इतना मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊँ कहीं लोग ऑफिस में हैं और एक ही लंच ब्रेक हुआ उनका, तो ये तो नहीं करेंगे आधा घंटा पहले फ्रूट टाइम पर लंच करें, तो आप फ्रूट्स पहले खा के लंच कर सकते हो। हाँ, बच्चों को तो देना ही चाहिए स्कूल में। हाँ, तो स्कूल में या ऑफिस? हाँ, वो देना चाहिए आपको लंच से पहले उसको टाइम। कट फ्रूट्स आप क्यों ले जाते हो? आपकी कितनी चीज़ें जो आप बिना काटे, जैसे आड़ू है, आजकल तो ये बहु कुछ आ रहा है, ये ले जा सकते हो। नहीं, इसको मेल करने की जरूरत नहीं है। आड़ू वगैरह तो नहीं लगाओ, अच्छे से क्लीन करो उसको, कपड़े से पहुँच के फिर आप ले जा सकते हो। डिटर्जेंट्स में डाला जा रहा है, मतलब आप स्किन नहीं खा सकते फिर आप पी। हाँ, फिर वो ठीक है, फिर आप उसको क्लीन कर भी लीजिए। दही में डाला जाता है, जो आप खा रहे हैं जाम, हाँ दही में डाला, वो मैंने भी देखा है, लेकिन फिर वही अगर आप उसको ऑयल्स में डाला जाए, विनेगर में वॉश करके देखना तो आप बेटर, और उसको देखोगे कि साफ हो गया। उसमें एक दो तीन चम्मच डाले के विनेगर, उसके अंदर फ्रूट डिप कर दो थोड़ी देर, फिर उसको धोगे सिंपल पानी से, 10-15 मिनट पकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा लूम वाटर से भी धो सकते हो आप, ठीक है? और किसी की कुछ क्वेरी है? जिसको भी वेलकम करने की टेंडेंसी है वो हल्दी लो। आप लेट लेते हो, खाना कितने बजे खाते हो? सोते कितने बजे हो? तो ये भी एक कारण है गैस्ट्रिक का। आप फिर 9 बजे दूध लेके देखिए, और उसके बाद डिनर के बाद आपने वॉक करना है, ठीक है? और एक सौंफ इंक्लूड करो अपनी डाइट में, हर मील के बाद सौंफ लो, मतलब उसको ला लो अपनी किचन में। सारे रूटीन में भी ले तो अच्छा है, गुड़ ले सकते हैं, ले सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, किसी भी सीजन में, किसी भी सीजन में बच्चों को भी ले सकते हो। इवन जो मैंने 6 मंथ्स के बाद जो बच्चों की डाइट बताई थी उसमें भी गुड़ आप ऐड कर सकते हो, अगर कुछ पीछा देना है, मीठा नहीं देना पी सकते। कुछ लोगों को सूट करता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। मैं तो 6 साल से चाय पत्र जो आता है।
दोबारा से शुरू करो, जो आपकी मदद चलाते थे वो बेस्ट रेसिपीज थी। जितना आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रही है वो सारे खराब करने वाली चीज़ें हैं। तो जल्दी नहीं है, आपने जैसे बताया था छाछ यूज़ कर दीजिए, खाना तो गर्म होता है, छाछ छाछ ठंडी होती है, तो फिर उसमें नॉर्मल ही होगा, ठंडी फ्रिज वाली नहीं हो। 12 लीटर ले सकते हो अगर आपको कम कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट्स में पेन नहीं है। जिनको जॉइंट्स में पेन है उनके लिए प्रॉब्लम होती है।